कैसे हैं आप लोग? आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सुपर जे। गाइस, आज हम लोग सेक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस पे करने वाले हैं कुछ सम अमेजिंग प्रॉब्लम्स। आप सभी का रिक्वेस्ट है यार, जल्दी से आ जाइए प्लेटफॉर्म पे, विच विल बी इनक्रेडिबल एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। फटाफट आ जाइए भाई। ओके, ऑल्सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन द सुपर जे टेलीग्राम चैनल। ये बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन एंड वेरी वेरी बेशक। प्लीज डू ज्वाइन दिस। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अभिनव झा। आई एम बीटेक। I have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced, but more than 5 years of teaching experience as well. Also, I hold an All India rank of 698 in GATE. Also, guys, going forward, आप लोग 12 months, 18 months, and 24 months का plan use कर सकते हो। Incredible आपके लिए होगा। AJ Live code use करना है आपको। That will be incredible। साथ ही साथ 42.5 3.4 to be up for the years. साथ ही साथ आप लोग iconic subscription ले सकते हो। and iconic subscription is also incredible. and a 12 months, 18 months, and 24 months plan होगा। AJ Live code use करके आना। ये सारे prizes हैं। 22,000. also guys, personal guidance हो गया है ना? स्टडी प्लानर हो गया, स्टडी एक्सपर्ट गाइडलाइंस टेस्ट नाल, इधर सम अमेजिंग फीचर्स जो आपको मिलेगा, लाइव क्लास टेस्ट एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा, है ना? सभी लोग यार, आज हम लोग सेक्स रिलेशंस करने वाले हैं एंड फंक्शंस। सेक्स पे क्वेश्चंस काफी सारे होंगे जो बच्चे भी प्रिपेयर करना चाहते हैं जेई के लिए। और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इनवर्स है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। 11th क्लास बच्चे एक्चुअली क्या करते हैं ना, कुछ पार्ट 11 से पढ़ते हैं, कुछ पार्ट 12 से पढ़ते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड देन उनको काफी दिक्कतें आती हैं। जब फंक्शंस पढ़ ही रहे हो तो एकदम डिटेल में पढ़ लेना है 11th क्लास में। ओके चलो। ऑल्सो गाइज, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, एजे लाइव का कोड है, एजे लाइव का कोड है, इज इनक्रेडिबल है ना? आप लोग यूज कर सकते हो इसको। एंड 1 टू 4 पीएम को मेरी डेली बेसिस पे स्पेशल। गाइस, एजे लाइव कोड यूज करना है आपको, टेरिफिकली इट विल बी डिफरेंट है ना? एंड ये सारे प्राइजेस हैं जो 10% ऑन द बेस। ओके, यू जस्ट हैव टू बी देयर। ओके, दैट विल बी ग्रेट। ऑल्सो गाइस, आप लोग ये हरी अप करके ये सीबीएसई जेई कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, राइट? and you can save lots of amount. AJ Live code use करते हैं for this. so guys, ये सारे amazing से batches हैं, like जुनून जे, evolve, rise, x, तो ये सारे batches आपके लिए बहुत beneficial हैं। 5 September को, this September, this is amazing, amazing prizes in. So guys, dropper to topper 2.0 batch, okay, which will be incredible. है ना? 2.0 batch, dropper to topper 2.0, ये बहुत beneficial होगा आपके लिए, right? And हम amazing teams is going to come in front of, they will do this. Please everyone come along, okay? Also यार, bugs bounty है, कोई भी inappropriate content दिखता है आपको, you can just raise the request and you can get some amazing prizes. Fine. Ask a doubt feature is also there, guys. जहाँ पे आप लोग अपने मन चाहे doubts, जो भी आपको doubt लग रहा है, आके आप लोग ये तो आपके लिए, ठीक है? चलिए, let's start the session, guys. This start from this. Let's start from this question. Please go for it.
ए एंड बी द टू सेट्स, तो कैसे होगा यार? देखो वेन डायग्राम आता है सबको ना, वेन डायग्राम से कर वेन डायग्राम में क्या होता है, देखिए आपका ए माइनस माइनस आपका हो गया ए यस 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 आर्यन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, मैं अभी आपको लिंक दे रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन दिस लिंक। तो गाइस ए माइनस बी कितना हो गया, ये वाला पार्ट बी माइनस ए कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये वाला पार्ट। अगर सबको आप मर्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ओके गाइस नेक्स्ट, इट्स वेरी गुड प्रवीण, एवरीवन वाचिंग एंड हिट द लाइक गाइस, दैट विल बी ग्रेट, प्लीज हिट द लाइक। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। यस आपके पास ए सेट है वो हमने ए है और ये बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई लाइक टू नेम इट लाइक ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट। तो व्हाट इज ए, ए इज नथिंग बट गोइंग टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए को लिख दिया मैंने ए सी, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सी, क्या दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, नथिंग नल्स। नेक्स्ट सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द होल नंबर एन इंक्लूडिंग इटसेल्फ बट नॉट वन, ठीक है, इज डिनोटेड बाय fn, कितना होगा, 16 के सारे फैक्टर्स लिख दो 1 को छोड़ के, 2, 4, 6, 8, 16, F40 लिख दो 2, 4, 5, 8, ट्वेंटी 40, यही होगा, दोनों का कॉमन कितना आ रहा है, F16 section F40,
आ गया 2, 4, 8, तो F8 हो गया ना, इसका वैल्यू कितना हो गया, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, A intersection B complement and B intersection A complement ये हुआ है। आपके पास क्या है भाई? भाई सिंपल सी चीज़ है। आप लोग को एक फॉर्मूला आना चाहिए कि A intersection B complement means what? That is nothing but A minus B part, है ना? खुद सोचो। B complement के साथ A में क्या कॉमन होगा? यही रीजन। और यहाँ पे क्या है भाई? ये रीजन हो गया बी माइनस है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 4, बस ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, दोनों को तीनों को ऐड कर दो, 5 + 4 + 6 3 आएगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रवीण, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और बिगिनर्स बेसिकली, और बिगिनर्स से लेके हम लोग अच्छे लेवल तक जाएंगे। यार ये देखो ध्यान से, आप लोग सेट्स ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओ प्रवीण, हाउ मच वाज योर रैंक? यार डरने का नहीं यार, एडवांस से डरने का नहीं, एडवांस को एकदम कॉन्फिडेंटली देने का, जो डर गया वो पैसा, ऐसा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली जाना एग्जाम में, अच्छा ही होगा, टेंशन। Then तो you will get anything. There देखो 3 and 6 elements each. 3 and 6 elements each. ये और यार देखो, सब दोनों का union minimum होगा. एक दूसरे के बीच में अंदर आएगा एकदम. इसके बीचों बीच हो जाए. A union B will be nothing but, ना A union B will be nothing but B,
भी कितना हो जाएगा है ना, बी भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो बड़ा वाला है सिक्स, जब ये दोनों के अंदर हो, जब इंटरसेक्शन जीरो हो तो मैक्सिमम मिलेगा है ना, मतलब ये वाला केस जो होगा तो मैक्सिमम आएगा। मिनिमम नेक्स्ट गाइस, एन ऑफ यू कितना दिया हुआ है 60, एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है 21, एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है 43 है ना। अब क्या होगा बताओ भाई, एन ऑफ ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कितना होगा? देखो आप लोग आइडियली क्या करोगे, चाहोगे कि दोनों अलग अलग रहे, जब आपने 21 और 43 को ऐड किया एंड बिकेम 64 एंड इट कैन नेवर बी मोर देन 60, एन ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 60, एन ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब वो एक उसके अंदर रहे, जब वो इसके अंदर रहेगा तो 43 आएगा मिनिमम। नेक्स्ट Come on everyone. बेटा वो हट जाएगा, तो 75% क्राइटेरिया हट जाएगा, नहीं रहने वाला। Let's see, A union B का कॉम्प्लीमेंट, A union B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, A B
यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो ये ए बी सी डी बोला है मैंने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? बी यूनियन ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो तो बी पार्ट है, दैट इज स्मॉल बी डी. तो बी डी तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना. व्हाट इज बी डी? ए का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यस प्रवीण, सब लोग देख रहे हो जितने लोग, गाइस एक बार लाइक कर देना सेशन को. हे गाइस, अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्लियर है सर? जेई एडवांस, एडवांस 2022 बेटा, चांसेस तो हैं जुलाई में ही होंगे. तो सारा सीन सही सही रहा, आप जुलाई मान के चलो. ठीक है, come on everyone. देखा अगेन, इसमें आपको वो जो मेरा टेक्निक है, अगर आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे आंसर. यस प्रवीण इज करेक्ट. तो अगर आपको मेरा टेक्निक आता है तो आप आंसर जल्दी निकाल लोगे, मैंने आपको बताया क्या है वो टेक्निक. ए ई, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये सेट बी, ए बी एच, देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट कितना होने वाला है जल्दी बताओ. देखो मैं आपको एक बस तरीका बताता हूँ वेन डायग्राम से सॉल्व करने का, कभी गड़बड़ होगी ही नहीं. A कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ई सी एच, बी ई सी एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए एफ सी एच. ठीक है, इंटरसेक्शन सी, ठीक है, सी एफ जी, सी एफ जी, और ये हो गया यूनियन B intersection C, B intersection C कितना हो जाएगा, E, right? Union A intersection C, A intersection C में क्या आ जाएगा, GF. तो बताओ भाई फटाफट इसका intersection क्या क्या आ रहा है, क्या चीज सब में है. C, yes, C is on all three. Okay, H, एच बी सी एफ जी ई, सी आई गेस,
बी नहीं है, ई नहीं है, एच भी नहीं है, ओनली सी. व्हाट वी गॉट इज सी ई डी एफ. हम सबका मर्ज करके सी ई जी एफ क्या है, सी ई जी एफ दैट इज नथिंग बट द सेट सी. समझ में आया सबको? तो वेन डायग्राम मेक्स इट अ लॉट इजियर. नेक्स्ट, let a union b union c intersection बताओ भाई क्या होगा? देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा है ना, अंदर का साइन पलट जाता है. नो प्रवीण गलत है. इंटरसेक्शन कितना हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, सेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट. बनाओ फटाफट वेन डायग्राम. तो भाई ये हो गया ए बी, ये कितना हो जाएगा बताओ, ए बी सी ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना आ रहा है, सेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ई सी एच. यूनियन बी कितना है, यूनियन सी बी कितना है भाई, सी ई एफ सेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ए बी. अंडरस्टूड गाइस? तो अभी आपको इसका सबको मर्ज करना है राइट, और ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट है राइट. ब्रैकेट ऐसा है पहला, ओके आपने सबको मर्ज कर दी तो क्या क्या आएगा भाई इधर, मेरे ख्याल से सब कुछ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी है ना, तो इंटरसेक्शन है दोनों में राइट. तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है भाई, बी B, C, D. C तो आएगा ही आएगा, A को छोड़ के सब आ रहा है क्या, B, C, D. E. और इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, सेक्शन क्या है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है ठीक है, बट आपको ध्यान से करना है. व्हाट आर वी गेटिंग, बी डी एच एच.
सो फ्रॉम देयर यू कैन मैच इट अप. मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज कमिंग, राइट? ए इज कमिंग, ए इज कमिंग. अच्छा ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, लेट्स ट्राई दिस वन. Come on everyone, very nice question. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, इतना ये सभी क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कभी भी. यस तनिष. Figure, suppose A1, A2, A3, A30 sets are having 5 elements. B1, B2, B3. Then मानो guys, ये सबका union S है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ n cardinal number of S जो गलत है, वो कितना होगा? 30 × 5, right? Here, so this will be the wrong. कार्डिनल नंबर है ना, मैंने सबको जोड़ दिया भाई, 30 को 300 ले लिया, तो 30 × 5 कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर होगा, ऐसा थोड़ी आसानी से आ जाएगा, ना कुछ तो कॉमन होएगा ही. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाँ इसको कर दो 150, ये रॉन्ग है. और यहाँ पे एक सेंटेंस और क्या लिखा हुआ है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, हर एक एलिमेंट जो एस का है वो बिलोंग करता है एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आईज, ठीक है? तो हर एक एलिमेंट जो एस का है वो बिलोंग करता है 10 ऑफ ए आईज से. मतलब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं जो रॉन्ग है, मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो 10 सेट से आया है, तो मान लो इसमें m एलिमेंट है, मान लो जो करेक्ट कार्डिनल नंबर ऑफ एस है वो है एम, करेक्ट वाला, तो वो क्या हो जाएगा 10m. तो ये दोनों सेम हो गए ना, दोनों रॉन्ग सेम है ना, मैंने जो गलती वहां पे की यहाँ पे भी वही गलती कर दी, मतलब 10 गुना कर दिया, तो 150 बराबर 10m आ गया, समझ में आया? तो m का वैल्यू हो गया 15, m का वैल्यू हो गया 15. अब आप लोग सेम चीज बी पे अप्लाई करो, क्या लिखेंगे बी में, जो गलत होगा वो कितना हो जाएगा, having three elements each, तो 3n बराबर कितना हो गया, 9 सेट है ना, 9 sets, तो 9m के बराबर होगा, 9m, n बराबर कितना आ गया 3m, तो 3 × 15 बराबर 45 हो जाएगा. Got it everyone clear? Everyone watching hit the like guys.
बताओ, रिलेटिवली प्राइम, दो रिलेटिवली प्राइम नंबर देख लो ना, 2, 3 पे कर लो सेटिंग, अपने आप आ जाएगा। तो 2n कितना होगा, 3x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हो भाई, EWS रैंक 22,000 है, CRL कितना है, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 2, 4 के मल्टीपल 6, 8, 10, 12, 18 आंसर। क्या बोल रहे हो, हाइब्रिड सेंटर 1,41,000। आपका रैंक है EWS में बेटा, NITs में तो बहुत मुश्किल है, GFTIs ट्राई करो, GFTIs कट ऑफ ले लीजिए। जेरी आपके पास कितना हो गया, 3n, 6, 9। दोनों का इंटरसेक्शन देखो, 3 क्या होगा, 6, 12। प्रवीण चलेगा, काफी देर चलेगा ये सेशन अभी, हम लोग पूरा सेट सॉल्यूशन। ये 6n आ गया, तो 3n इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 2n क्या हो गया, आपको कुछ काम है, आ गया 6n, ये आ गया बी सी डी, डी बराबर कितना आ गया, बी सी, क्लियर है। नेक्स्ट, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू डू इट, क्या बोल रहे हो यार, कोई नहीं GFTI मिलेगा, मतलब सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज है, 25% ओन कार एंड सिक्स और कार, 2000 फैमिलीज जो है वो बोथ कार एंड फोन। स्टेटमेंट्स इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है,
इन अ सर्टन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ओन फोन एंड 2% कार. आपके पास ए बी सी डी टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन. ओके एंड ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बी प्लस सी इज पॉइंट 0.25 ये हो गया 0.15 हो गया आपका कार और डी का वैल्यू है 0.65x. ठीक है ये बढ़िया बहुत बढ़िया. तो मैं क्या कह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज x. अगर मैं एक और c ऐड कर दूं दोनों तरफ a प्लस सी हो गया 0.15 0.25x, b प्लस सी हो गया 0.15x, d का वैल्यू हो गया 0.65x और x प्लस सी दिया हुआ है 2000. क्या ये इक्वेशन समझ में आया? ये है ना दिया हुआ 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन, ये c राइट. इससे क्या होगा आपके पास ये हो गया 0.58 1.05 x माइनस x इज इक्वल टू 2000 0.05 x is equals to 2000 equal to 2000 by 0 40,000 families 40,000 families are there guys 40,000 है ना 40,000 are there 10% of the families own both foreign phone and car. तो बाकी ये यूनियन इसका तो 0.35x ही होगा, ये तो 35% करेक्ट है सीधा सीधा. 40,000 हमने पूरा x का वैल्यू भी निकाल लिया सेकंड एंड थर्ड. यस everyone watching hit the like. It's also a beautiful question. Is equals to 1, 2, 3, 5, the number of different ordered pairs by Z. That can be formed so that y is a subset of x and z is a subset of x is a very nice question. Bahut hi pyara question. Wrong, Praveen. देखो यार आपके पास x एक सेट है ठीक है एलिमेंट 5 1 2 3 4 सेट का नाम तो हम लोग दो सेट में डाल रहे हैं एक भाई
ठीक है, ये क्या है यार यहाँ पे, हर एक एलिमेंट के पास कितना ऑप्शन है, वन के पास कितना ऑप्शन है। देखो इसको हम लोग को दो सेट में डालें ताकि इसमें जाए तो इसमें ना जाए, इसमें जाए तो इसमें ना जाए। यस बट प्रवीण वो फॉर्मूला तब है क्योंकि हमने, हमारे पास दो ऑप्शन रहता था, यहाँ पे क्या है इसके पास एक और ऑप्शन है। वन के पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो वहीं बैठा रहे, यहीं पे बैठा रहे, कहीं जाए ना, या तो चले जाए इधर या तो चले जाए इधर। तो हर के पास कितना ऑप्शन है इस बार, तीन। हम लोग नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं तो उसके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो हमारे झोले पे आ जाए या तो वहीं बैठा रहे, है ना, सबसेट में। दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली। That's why इसके पास भी तीन ऑप्शन, इसके पास भी तीन ऑप्शन है, इसीलिए कितना हो गया हमारे पास, वन के पास थ्री ऑप्शन, टू के पास थ्री ऑप्शन, थ्री के पास थ्री ऑप्शन, फोर के पास थ्री ऑप्शन, फाइव के पास थ्री ऑप्शन, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री पास। That's a good question. Let's see. एवरीवन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई विल बी गिविंग यू शॉर्ट डेरिवेशन एज वेल। देखो यार सबसे पहले एक चीज जानो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो है वो क्या होगा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आता है ना, सब किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस चीज का कॉम्प्लीमेंट कर दे, चीज चलेगा सबको। मैं कहने का मतलब है कि कोई भी सेट को x को लिख सकते हैं ना यूनिवर्सल माइनस x कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x प्लस x कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट, सही है, चलेगा, दौड़ेगा, राइट, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकता हूँ। ये इसका प्रूफ कहीं नहीं देगा कोई, ये क्वेश्चन का है ना, यू विल बी फाइंडिंग दिस टफ टफेस्ट एक्चुअली टू द डेरिवेशन ऑफ दिस। एन ऑफ यू कितना आ जाएगा, माइनस
एन ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए ना इस साइड, मतलब वी वांट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि दो चीज चार चीज का इंटरसेक्शन है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी, लॉस्ट ऑफ ईयर, लॉस्ट आई, लॉस्ट आर्म, सब कुछ होना चाहिए, एंड मार रहे हम लोग, इंटरसेक्शन मान रहे, और उसका मिनिमम मतलब हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कैन आई से दैट दैट विल बी एन ऑफ यू, और इस ये तो फिक्स होता है राइट 100%। जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसको मैक्सिमाइज कर दूं, ये मैक्सिमम होना पड़ेगा ना, बोलो, अगर इसको मिनिमम होना है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा राइट, तो इसका लीस्ट आ जाएगा, यस। एन ऑफ ए बार का क्या होगा मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूं एन ऑफ ए बार प्लस एन ऑफ बी बार कर दो, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये, बहुत ही चीज है यार, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये, मैं बोल रहा हूँ कि एन ऑफ ए बार और एन ऑफ बी बार का। तो गाइज यहां से मेरा एक डेरिवेशन हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा, देखिए एन ऑफ यू माइनस सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अगर इसको आपको चार में लगाना है तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। और यही चीज तो चाहिए अपने को, ये एन ऑफ यू कितना हो गया 100% माइनस पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले वाला 70% का लॉस्ट आई, तो कितने लोग नॉट लॉस्ट आई 30%, 30% एन ऑफ बी 80% लॉस्ट ईयर, तो हाउ मेनी नॉट लॉस्ट ईयर, हाउ मेनी डिडंट लूज ईयर, कितना हो जाएगा 20%। एन ऑफ सी 75% लॉस्ट आर्म, तो 25% हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, और डी बार इसका कॉम्प्लीमेंट कितना 85% का कॉम्प्लीमेंट 15%, समझ में आया डेरिवेशन 100% माइनस। बुक्स में क्या आता है ना, डायरेक्टली ये चीज लिख दिया जाता है, कहां से छापा, क्यों छापा, काहे छापा, कुछ नहीं बताते हैं, बस डायरेक्ट ये लिख देते हैं, ये सोल्यूशन में देते हैं, कुछ कुछ बुक्स में देखा है मैंने इसका सोल्यूशन ऐसे देते हैं, 50 और 40, 90, ये हमेशा 10% से ज्यादा होगा, समझ में आया, एन ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्ट 10%। हेलो गाइस, लेट्स डू सम फंक्शंस प्रॉब्लम, फंक्शंस भी कर लेते हैं, of 0 is x is rational और ये हो गया 1 when x is irrational. f of g of pi plus g of f of e निकालना है, तो g of pi, अच्छा ये g है, sorry functions में यहाँ पे ये f है, ये g है,
कम ऑन एवरीवन, तो बताओ भाई जी ऑफ पाई कितना होगा? पाई डालेंगे, पाई एक इरेशनल है कि रैशनल है? पाई तो एक इरेशनल नंबर है, ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ एफ ऑफ ई कितना है? एक्स एक ई एक इरेशनल नंबर है तो जी ऑफ वन हो गया। ये देखो ये जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है तो जीरो दे देगा। एफ ऑफ रैशनल इज जीरो और वन में क्या है, ये अगर रैशनल है तो माइनस वन देगा, माइनस वन। सिंपल आपको पुट करना था, मैंने बताया जैसे कि गाइस हम लोग फंक्शंस में कॉम्पोजिशन ज्यादा डिस्कस ठीक, नॉर्मल फंक्शन की क्लास में ले चुका हूँ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी काफी डिस्कस, हम लोग कॉम्पोजिशन एंड इनवर्स की थोड़ी ज्यादा। तो भाई एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स भाई एफ में एफ ऑफ एक्स डाल देना है तो देगा ए माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एन पावर वन। कितना हो जाएगा? ए माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एन कर दो वापस, माइनस पावर एन पावर वन होल की पावर ये वाला एन डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स डाला एंड दिस इज दिस एन एंड दिस इज दिस वन। ये एन ये एन कट गया, ये ए कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स की पावर एन बाई वन बाई एन। नेक्स्ट ये तो गाइस एफ ऑफ एक्स कितना होगा पहले ये निकालो। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स डाल देना है एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है तो एफ ऑफ एक्स डाल दो रूट वन प्लस इसका स्क्वायर वन प्लस एक्स। एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा? वन अंडर रूट वाला कट गया पार्ट तो ये हो गया वन प्लस टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डाल दो एफ ऑफ एफ एक्स, इसमें पूरे में आपको एफ ऑफ पर डाल दिया आपने, कितना हो जाएगा? वन अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर by under root of 1 plus इसी का square upon 1 plus 2x square
आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट वाला कट गया और ये एलसीएम कौन होगा, 1 + 3x, -1/x, on everyone. Come on everyone, solve this question, very nice one. प्रज्ञान प्रियल बहुत जल्द होगा, आप आ जाओ फटाफट, अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लो. ड्रॉपर बैच मे बी फ्रॉम 1st या 2nd of October से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. मेरा ड्रॉपर टू टॉपर 2.0, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट, है ना. यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना. एजे लाइव कोड यूज करना है आपको, आई विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट. एजे लाइव एजे लाइव कोड यूज करके आ जाओ फटाफट प्लस पे, क्योंकि अब प्राइजेस बढ़ जाएंगे बेटा परसों से, पता है ना आपको. ओके बेटा, यू आर ऑन प्लस और नॉट, आप प्लस पे हो कि नहीं? गाइस देखो, जी ऑफ एक्स आपका ये आ गया, एफ ओ जी ऑफ एक्स कितना आएगा, ए क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर. बेटा आपको 1 ईयर का पड़ेगा 34,000 रुपीज, ठीक है ना. प्लस आपको मेरी मेंटरशिप गाइडेंस है ना, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग थ्रू आउट प्रिपरेशन, है ना, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग गोइंग फॉरवर्ड. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है आपको, एक एक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर. आपको डेली बेसिस पे डीपीपी मटेरियल है ना, एवरीथिंग आई विल बी गिविंग फ्रॉम माई साइड, सो यू कैन टेक इट. यस यस, ऑल पीसीएम कोटा के जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है, और भी हमारा बेस्ट, आप ज्वाइन कर ही सकते हो. प्लस कोटा का एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइक वी हैव गॉट वाइब्रेंट, वी हैव गॉट न्यूक्लियस, वी हैव गॉट बंसल फोरियम, सारे अमेजिंग टीचर्स आ सकते, भी आप पढ़ सकते हो. फिर आपको कोई चीज यहाँ नहीं जम रही, आप वहाँ पढ़ो, वहाँ नहीं जम रही आप यहाँ पढ़ो, गॉट द फ्रीडम. और डेली बेसिस पे आपको मटीरियल, आपकी गाइडेंस, आपके टेस्ट, एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ, वरी. पर्सनल मेंटरशिप यू विल बी गेटिंग. आपको कोई किसी टॉपिक में वीक लग रहा है ना, तो मैं आपको उसके लिए सपोर्ट करूंगा, डेफिनेटली इट विल बी देयर.
ये वाला टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया ना, एक बार ज्वाइन कर लो प्रज्ञान। ओके 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 80K में बेटा देखो यार, आपको GFTIs वगैरह मिलेगा पर वहां पे कुछ खास प्लेसमेंट्स नहीं होगा। यार इन मेंस कमेंट के बेटा कमेंट के थ्रू ही काउंसलिंग करो है ना, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यश, एंड दैट विल बी ग्रेट, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। सो ये वाला टेलीग्राम लाइक भी कर दो एवरीवन सेशन। देखो g of x होगा, g of x को रिप्लेस करके आप x डाल दो, f of x कितना आएगा 3x plus x cube next। ओके गाइस, यार देखो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स राइट। तो ये देखो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स, आपके पास क्या होगा गाइस देखो ध्यान से, एफ ओ जी ऑफ एक्स कर देंगे ये, इसमें आपको जी डाल देना है, तो कितना हो जाएगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी equal to g of x कितने जगह c into ax plus b d। अगर आपने देखा यहाँ पे a c x plus a d equal to c a plus d, a c x कट गया, a का value one b का value two, b हो जाएगा d is two ए डी, यहाँ पे बी भी तो है, कितना टू, डी डी कट गया उसी बराबर टू आ गया, मतलब सी की वैल्यू वन ही है, सिंपल ना, सी का वैल्यू वन है, डी इज आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है डी, फाइन। X one more, this is a pretty simple one guys, जल्दी से बता दो इसका क्या होगा, very very simple। of x आपको दिया हुआ है sine square x right, p of f of x मॉड ऑफ साइन एक्स इसका होगा ये ऑब्वियसली यार, अब अगर आपका पी ऑफ एक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग विल बी नथिंग बट व्हाट, मॉड ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये आपको पता ही है कि यार अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स, देयर यू विल गेट दैट। ओके तो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज मॉड एक्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, किस किस के लिए ये ट्रू होगा? ठीक है, किस किस के लिए ट्रू होगा भाई? यार एक तो ऐसा केस पहले चेक कर लो कि यार एक इंटीजर्स के लिए चेक कर लो, राइट, एक्स बिलोंगिंग्स टू जेड के लिए चेक कर लो, बिलोंगिंग्स टू जेड, एक्स बिलोंगिंग टू जेड, अगर आपने इंटीजर चेक कर लिया तो क्या होगा? तो p ऑफ f ऑफ x लाइक मॉड ऑफ ऑक्स ऑफ मॉड x, लेस देन और इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x मॉड ऑफ ऑक्स x. इंटीजर्स पे क्या होगा यार? इंटीजर्स पे तो दोनों इक्वल होगा, राइट? इंटीजर्स में बता, इंटीजर्स में क्या होगा? LHS इक्वल टू RHS, विच इज करेक्ट, सेटिस्फाई कर रहा ना, इससे लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तो इक्वल टू हो रहा है तो काम हो रहा है, खत्म. व्हाट अबाउट इफ x इज नेगेटिव, सॉरी पहले पॉजिटिव देख लो, x अगर पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा? x अगर पॉजिटिव है तो ये वाला चीज पॉजिटिव है, 2.3 तो बॉट हो गया, बॉक्स हो गया, तो 2 अगेन LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, राइट? मतलब सही है. मान लो नेगेटिव ले लियो, मान लो x की वैल्यू -2.3 ले लिया आपने, ठीक है, कितना आएगा बॉक्स? मॉड ऑफ दिस कितना हो जाएगा? 2.3 कितना हो जाएगा? बॉक्स इसका कितना होता है? -3 का मॉड, आपका 2 लेस देन और इक्वल टू 3 आ रहा है, ये भी सही है. ओके, दैट मींस x अगर नेगेटिव है तो भी ट्रू हो रहा है, x अगर पॉजिटिव है तो भी ट्रू हो रहा है, x अगर इंटीजर है तो भी ट्रू हो रहा है, तो इट्स ट्रू फॉर ऑल गाइस, दैट्स व्हाई इसका इसका हो जाएगा रियल नंबर्स, ऑल रियल. नेक्स्ट, तो गाइस देखो यहाँ पे g ऑफ 2 ऑफ x कितना होता है, मींस g ऑफ x पहले 2 के लिए चेक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे इनके लिए, है ना? तो गाइस क्या होगा बताओ यहाँ पे, g ऑफ g ऑफ x मतलब इसमें आपको 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ t प्लस 4 x कर दो, आ जाएगा ये यार t प्लस 12 15 4 स्क्वायर x, क्या 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या? दैट इज द कंडीशन, यहाँ पे 2 था तो ये कितना हो गया 2 g 4 p पावर 2 का माइनस 1 माइनस. Next question.
गाइस कैसे होगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस फाइव बाई थ्री, मतलब कितना हो गया और ये कितना हो गया साइन एक्स कॉस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री कितना कॉस सिक्सटी वन बाई टू, कॉस एक्स साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री दैट मींस कॉस एक्स कॉस पाई बाई थ्री माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई थ्री। जब आप ओपन करोगे तो कितना आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर बी कॉस प्लस टू ए बी राइट एक्स कॉस एक्स बी बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई माइनस कॉस एक्स रूट थ्री बाई टू। What are we getting from here, yaar? We are getting what? Cos x sin x root 3 by 2 cos x sin x root 3 by 2. कट गया, कितना आ रहा है आपके पास sin square x 5 by 4 sin square x plus 5 by 4 cos x 5 by 4 sin square x plus cos square x 1 हो गया 5 by 4 constant हो गया, मतलब g of f of x पूछा था f x की value ही कितनी है 5 by 4 g of 5 by 4 ये next g of f of x given है, g of x given है, okay. तो कुछ प्योर फंक्शंस की क्वेश्चन करेंगे डोमेन रेंज वन 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 टू पे रिलेटेड, बहुत मजा आएगा। विल डू सम प्योर क्वेश्चंस ऑन डोमेन एंड रेंज आफ्टर दिस इनवर्स एंड come on everyone see how many of you can do it yaar ye dekho dhyan se यार ये देखो यहाँ पे आप लोग का g of x कितना आ रहा है g of x कितना आ रहा है 4x square minus 10x right
और सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एक बार इसको एक ही करके ऑप्शन ए को मर्ज करो ना, आएगा स्क्वायर 2x-3 का स्क्वायर 6-3-, अगर आप इसको खोलोगे तो कितना 4x² x 2x- आ गया यार। -2 मेरा आ गया जी ऑफ एक्स, जी देखो सेम मैच हो गया था। नेक्स्ट इनवर्स निकालना, कम ऑन एवरीवन प्लीज हिट द लाइक यार। क्या होगा बताओ भाई, इसको क्या करते हैं ना भाई, सॉल्व करते पहले इक्वेट करते हैं वाई के। ये देखो ये स्टेप्स होता है, दीज आर द स्टेप्स एक्चुअली कैलकुलेट। ओके तो कैसे करेंगे हम लोग बता, ई पावर एक्स प्लस 1 बाई ई पावर एक्स इज इक्वल टू 2y। तो ये कितना हो गया, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर 2y ई पावर एक्स, और e पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2y e पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। e पावर x इक्वल टू माइनस b, टेल मी व्हाट पावर y माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। पावर x का वैल्यू कितना हो गया, 2 को कट गया, तो y प्लस माइनस रूट y स्क्वायर माइनस 1 e पावर x होगा। x कितना होगा, लॉग ले लो, ये तो x ln e हो गया x ln e इक्वल टू ln y प्लस माइनस अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 8।
ln e is 1, तो ये हो गया x, x is nothing but f inverse y, मेरे पास f inverse y आ गया this, it is f inverse x कितना आ जाएगा ln x plus minus under root x. So guys, you cannot have, as your f of x y is positive, you cannot take this value negative, right? So that means we need to just consider the positive wala. Ye mera aa jayega. Clear everyone? Ye hota hai method of getting the inverse. Sabse pehle kya karte hain, pure f of x ko y ke equate karte hain. Theek hai, y ke equate karne ke baad we take it to that side and then we solve for x, and then finally we replace x with y, we get f inverse. Option C. Let's see how many of you can try this one. Come on everyone. तो गाइस कैसे होगा, देखो हमारे पास ये फंक्शन इससे इससे डिफाइंड है, ठीक है ना, मुझे एफ इनवर्स ऑफ माइनस 100, एफ इनवर्स ऑफ माइनस 100 को लेट्स कीप इट एज सम वाई, एफ ऑफ वाई कितना आएगा माइनस 100, so this will be minus 100, okay, so ye ho gaya minus 100, so yaar value f of iski value ka minus 100 hogi, dekhe karke check kar lo, n by 2 is equal to minus 100, n ki value kitni aa gayi minus 200 from here, okay, aur aapke paas kya ho sakti hai माइनस ऑफ n माइनस 2 ऑन 2 की वैल्यू अगर हो गई आपके पास n माइनस 1 आएगा 2 पहले कितने ऑड हो गया, राइट आपके पास n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट देखो ये देखो कहां से कहां तक, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक n as पॉसिबल है.
कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए। Come on, guys. यार देखो क्या करना है आपको, इसको y पुट कर देना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस पावर 3 9 बाई, अगर आपने इसको साइन y कर दिया तो क्यूब कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 माइनस x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस की पावर 4 साइन क्यूब वाई, 3 माइनस साइन क्यूब वाई एक्स माइनस पावर 4 के पास एक्स माइनस 6 कितना गया, थ्री माइनस साइन क्यूब वाई पावर 1 बाई 4 6 प्लस 3 माइनस साइन क्यूब y पावर 1। फाइनली योर f इनवर्स x विल बी व्हाट, इसका x से रिप्लेस कर दो, 6 प्लस 3 माइनस साइन क्यूब x होल की पावर 1 बाई 4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एवरीवन वाचिंग हिट द लाइक यार। ओके गाइस, टू की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1, इसको ले लिया वाई। देखो लॉग बेस 2 दिख रहा है सब जगह, सबको पता है लॉग बेस 2 कर देंगे। लॉग बेस 2 करोगे तो कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस बराबर लॉग बेस 2 ऑफ 1, क्वाड्रेटिक हो गया, माइनस एक्स माइनस बेस 2 वैल्यू माइनस बी रूट स्क्वायर 4 ए सी। बस आप नेगेटिव नहीं ले सकते, कहाँ y है वहां पर दो और ये प्लस ले लो, 1 प्लस 4 log only positive 1 you will take। okay. next
कम ऑन एवरीवन। प्लीज हिट द लाइक गाइस एवरीवन। कैसे होगा बताएं? देखो यहाँ पे एक्स आपका 4 और 8 के बीच में, एक्स इज बिटवीन 4 एंड 8, एक्स बाय 4 कितना होगा 2 और 1 के बीच में, ऑक्स ऑफ एक्स बाय 4 कितना हो जाएगा 1, आपका एफ ऑफ एक्स कितना हो गया एक्स प्लस 1, तो पकड़ लो आप वाई, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई y माइनस 1, दिस इज योर f इनवर्स y, ना इनवर्स x कितना हो जाएगा गाइस प्लीज हिट द लाइक एंड एवरीवन। Then guys again you have to go for the same logic. This is the logic. इसको y put करना है तो x square minus x. y put कर दो. ठीक है? क्या हो जाएगा आपके पास x square minus 4x plus 3 equal to 0. वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 4ac, बाई 2a, वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस माइनस root of 4 plus 4y by 2 हो जाएगा 2 plus minus under root y plus negative लेंगे नहीं तो आपके पास x कितना आ जाएगा 2 हाँ plus root of f inverse x कितना Got it? Next.
देखो f इनवर्स x बराबर f ऑफ x क्या होगा जब आपका y इज इक्वल टू x का सॉल्यूशन होता है राइट, कब मिलता है आपका log x, और इसका भी नहीं मिलता राइट क्योंकि ये y इज इक्वल टू x से कभी नहीं मिलते, जब भी आपका इनवर्स मिलेगा मतलब वो y इज इक्वल टू x पे मिलेगा, फिर आपको x स्क्वायर माइनस x प्लस इक्वल टू x कर देना है तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, दैट इज द आंसर। ओके गाइस एवरीवन वाचिंग प्लीज हिट द लाइक, यार दैट विल बी ग्रेट, प्लीज हिट द लाइक दैट विल बी ग्रेट। Hello guys, now let's do some questions on domain range. That'll be great. पहला क्वेश्चन है रेंज निकालना है, f x equal to 1 upon sine fractional part of x. कैसे होगा ये, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका रेंज बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बॉक्स, बॉक्स मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन मींस यू नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ऑप्शन ए है आपके पास 1 माइनस 1, ऑप्शन बी है ये देखो यार ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, कोई भी चीज है जो 0 टू 1 के बीच में लाइक करे राइट, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 कभी 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, ये 0 टू 1 के बीच में लाइक 1 नहीं होगा। अब क्या करोगे बताओ, साइन इस चीज का क्या होगा, साइन 0 देकर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0 से लेकर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, साइन वन कितना होता है, साइन सिक्सटी पर पता है ना रूट 3/2 के आसपास, और कितना हो गया 0.85। तो अब ये मुझे बताओ कि 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सबको पता चल गया होगा कि ये पॉजिटिव नंबर है, जो कि ये वैल्यू कितनी होती पता है अप्रोक्सीमेटली, ये होती 0.8 मान, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1/0.8 मतलब 1.2 पकड़ लो, ये 1.2 से बड़ा है राइट, मतलब ये कितना हो सकता है 1.2 फिर 2.2 फिर 3.2 ऑल काइंड्स,
इसके बॉक्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है राइट, बॉक्स ऑफ वन से लेकर टू के बीच में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो बॉक्स का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ वन बाई साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है वन टू थ्री फोर, एनी नेचुरल नंबर राइट, दैट्स द आंसर, एनी नेचुरल नंबर इज. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव साइन एक्स माइनस, इस फंक्शन का रेंज निकालना है, कम ऑन एवरीवन, लाइक गाइस फंक्शन का रेंज निकालना है. तो गाइस क्या होगा ये बताओ, तो ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, चलो आप लोग को नहीं माइनस ट्राई करिए, माइनस वन टू है, टू पाई डी माइनस नाइन बाई, तो गाइस सबको पता है कि रेंज वाले क्वेश्चंस में सर कंप्लीट द होल स्क्वायर करते हैं, सही बात है, सबको पता है ये बात है. तो गाइस क्या करेंगे हम लोग, एक्स है ना, तो मैं लिख देता हूँ साइन एक्स माइनस फाइव बाई टू माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस आ रही है साइन एक्स माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर्टी नाइन बाई फोर, ये नेगेटिव नहीं हो सकता राइट, ये तो होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी आप बताओ मुझे मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो हम लोगों को अगर पूरे टर्म को मैक्सिमाइज करना है तो मैं साइन एक्स को वन रख दूंगा राइट, इजंट इट, और मैक्सिमाइज करना है तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा, एक बार आप साइन एक्स को वन रख के देखो, आपने वन रख दिया कुछ कम हो रहा है राइट, मैं बोल रहा हूँ साइन एक्स को एक बार माइनस वन रख के दे, माइनस वन रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस बाय टू फोर्टी नाइन बाय फोर, माइनस फोर्टी नाइन बाय फोर जीरो आ गया, आई गेस दिस इज एफ ऑफ एक्स मैक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी. अब हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अगर हाईएस्ट सॉरी लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को कम से कम करेंगे, कम से कम कितना होगा भाई, साइन एक्स वन रहे ना,
ये तो वन पे आया, साइन एक्स इक्वल टू वन पे आ गया ये जीरो. व्हाट अबाउट साइन एक्स इक्वल माइनस वन पे मैक्सिमम देना चाहिए ना जगह. सही यार, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये आ गया. इक्वल्स टू वन पे क्या हो रहा है आपके पास, नाइन बाई फोर माइनस 49 बाई माइनस 10. माइनस 10 विल बी योर मिनिमम, ये हो गया आपका मिनिमम, ये हो गया आपका मैक्स. माइनस 10 टू जीरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एवरीवन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइस? ओके, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप समझ. Guys, y is equal to x square plus kx minus x sine. Right. Is strictly above x-axis. क्या लिखा है? Strictly above x-axis. If and only if ने k by 7 k between 7 and minus 5 है. A greater than minus A greater than 7. On guys, on guys, so guys देखो कोई भी कर्व अगर strictly greater than zero मतलब क्या square plus kx minus x plus greater than zero. तो इसका क्या होगा, कब होगा ये चीज? ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, राइट? इट्स अ पैराबोला गोइंग अपवर्ड्स, कभी एक्स एक्सिस को कट ही ना करें, तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो. ए स्क्वायर ए माइनस वन एक्चुअली इनटू ए माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू.
माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, आपके पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर 35 जीरो, फैक्टराइजेशन हो जाएगा के प्लस फाइव, विल गेट के बिटवीन फाइव एंड एवरीवन एक बार लाइक कर दो यस गाइस एवरीवन इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बी देयर Next. Guys, हमको बताना है कि f of x given है from R to R, real number set से real number set तक, cube minus 3x is 6x minus, बताना है कि यार ये 1-1 है and onto वन वन एंड इन टू वन 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 टू बट नॉट वन वन बट वन वन नॉट वन वन ऑप्शन डी आइदर वन वन और ऑन सही भाई फटाफट भाई यार देखो इन सब का क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन से राइट टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन व्हाट डू वी गेट एफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस into x minus 1 का whole square plus 1 ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा यस इट्स अ पॉजिटिव डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव ओके व्हाट विल गेट दिस इज ग्रेटर देन 0 आल्सो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज कि ये कर्व इंक्रीजिंग आ गया राइट इंक्रीजिंग कर्व होने का मतलब क्या है वो कभी भी आपका एफ डैश पॉजिटिव मतलब क्या
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर जाएगा ना, एक एक्स पे एक ही वाई मिलेगा, यस दैट्स व्हाई इट विल बी 1 1, यही तो टेक्निक है। और आपको पता है कि यार एफ ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एफ ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एफ ऑफ माइनस ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो हर जगह कंटिन्यूअस है, देयरफॉर रेंज इज आर। हाँ एनआईटी में एडमिशन मिलता है बेटा, आईआईटी में नहीं एनआईटी में मिलता है, इट्स 1 1 एंड 1 2। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस सब लोग लिखिए हैं, डोमेन ऑफ टॉप टू द बेस 2 प्लस 3 बेस 2x+3 अपॉन x² + 3x ऑप्शन ए, फाइनल माइनस on everyone। सेवेंटी 75% वाला क्राइटेरिया नहीं होगा बेटा, 2000 इसमें नहीं कैंसिल हो जाएगा, हाँ नहीं रखेंगे। लाइक कर दो यार सेशन को एक बार, इतने लोग देख रहे हैं यार एक बार लाइक कर दो।
गाइस ये देखो ध्यान से, ये हो गया देन ऑब्वियसली डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कांट बी 0 राइट। ओके मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 इनटू x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस 1। Now, so from this we can say that x plus 3 should be positive, x should be greater than minus 3, okay, then minus 3 but not minus 2, of x given as under root of ln base is mod x minus 1, the argument is x square plus 4, are minus, minus unity. D is minus infinity to infinity. Come on everyone, solve this one. डोमेन चाहिए, कम ऑन एवरीवन। यार देखो बेसिक सा चीज है, कभी भी आप लोग को लॉजिक ये यूज करना है, कभी भी बेस वन नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस वन कांट बी जीरो, मॉड एक्स माइनस कांट बी जीरो, मॉड एक्स कांट बी वन, एक्स कांट बी वन नहीं हो सकता, माइनस वन नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी बेस कांट बी वन वन नहीं हो सकता आएगा यार, ये मॉड एक्स कांट बी टू, एक्स कांट बी प्लस माइनस टू, ये तो गलत हो गया ऑप्शन डी। ऑल्सो ये भी गलत हो गया राइट, ये टू और वन जीरो है, ये गलत है, ये गलत है, यही होगा आंसर ऑप्शन।
गाइस ये हो गया आपके पास, तो ये आंसर हो जाएगा ठीक है, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। ये तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। और लेते हैं डोमेन ऑफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 0.3 mod of x minus 2 on mod x, आपको डोमेन निकालना है। ऑप्शन ए है 1 से लेकर 2 तक, बी है 2 टू 3, ऑप्शन सी इज 1 टू 2 यूनियन 2 टू 3, ऑप्शन डी इज राइट एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय प्रिया, हाउ आर यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, तो यहां पे देखो यार, सिंपली आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए यार, ये वाला जो वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू वो होना चाहिए आपका डेफिनेटली। अगर आपने ऑप्शंस से देखा तो क्या आप एक्स को वन रख सकते हो? यस वी कैन, राइट? वन इज इन द डोमेन और नॉट? यस इट इज। अच्छा टू को रख सकते हैं क्या? लॉग जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये तो बोला भाई गलत है, ये भी गलत है। ये बोल रहा है कि थ्री से थोड़ा सा पहले रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने थ्री से हल्का सा पहले मतलब ढाई रख दिया तो वो चलेगा, 2.5 इज ओके। यहाँ पे ये डेसिमल में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई ऑप्शंस। चलो गाइस आज के लिए इतना। एवरीवन वाचिंग, एक बार लाइक कर देंगे सेशन को यार, सभी लोग प्लीज एक बार फटाफट से लाइक कर दो सेशन को। Guys, everyone, सबसे यार ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ड्रॉपर टू टॉपर बैच ऑलरेडी लॉन्च इज गोइंग टू कम इन द सेकंड वर्जन 2.0। अब सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट 12, 18 या फिर 24 मंथ्स का प्लान ले लो, प्लस और बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एजे लाइफ को भी ये सारे प्राइजेस है 34.5 आपको बहुत बेस्ट वे में हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज गोइंग फॉरवर्ड आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी चूज कर सकते हो, थिंक प्लस एज वेल एज आइकॉनिक 12, 18 एंड 24 मंथ प्लान है। इन एजे लाइफ को भी 58.5, 72,000, 90,000 रेस्पेक्टिवली है। एजे लाइफ का कोड यूज करना है आपको। ऑल्सो गाइज फॉर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सारे अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे आपको ओनली ऑन अकेडमी आइकॉनिक। एंड ऑल्सो गाइस प्लस पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लिमिटेड एक्सेस तो दे रहा होगा। ये मेरा गाइस प्रोफाइल लिंक है ना, एजे लाइव को डाल के आप लोग आ जाइए यहाँ पे, प्लीज कम ओवर इन द वेट फॉर यू गाइस। तो गाइस एजे लाइव कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंट, गाइस ये आपकी प्राइस हाई हो चुकी है, राइट?
गाइस एजे लाइव कोड लगा के आप लोग ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो, विल बी ग्रेट 12-21,000 के आसपास प्राइस है आपको बहुत। तो गाइस ये आपको जुनून है जेई बैच फॉर ड्रॉपर्स, इवॉल्व बैच, राइज बैच, एक्सेल बैच, एक्सेल फॉर ड्रॉपर्स, ये सारे अमेजिंग बैचेस हैं जो आपको बहुत ग्रेट इन द लॉन्ग रन, सो आपके लिए बहुत बेनिफिट। तो गाइस ड्रॉपर टू टॉपर बैच है, टॉपर टू टॉपर बैच है जेई मेंस एंड एडवांस का है ना, और ये सारे अमेजिंग एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इंक्लूडिंग मी। 7:20 to 8:50 पीएम मेरा टाइमिंग होने वाला है, ये बैच इज ऑलरेडी रनिंग है गाइस, आप इस पे आइएगा जरूर, हमारे साथ जुड़िएगा। और गाइस हम लोग ने एडमी की पूरी टीम ने मिलकर मेहनत करके AIR 1 भी प्रोड्यूस किया है आप लोगों को। गाइस एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ यार, आप लोग आइए एंड तो गाइस बग्स बाउंटी है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आप अगर आप देखते हैं तो आप उसको रेज करके रिक्वेस्ट, यू कैन क्लेम सम अमेजिंग प्राइजेस, ओके गो फॉर इट। एंड ऑल्सो आस्क अ डाउट फीचर इज देयर ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म, कोई भी डाउट आपको लगता है कि यार मुझे रिजॉल्व करना है, सो रिजॉल्व योर डाउट्स, बेस्ट थिंग, ठीक है, गो फॉर इट गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ऑल्सो वुड लाइक टू टेल यू कि यार आप कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप लोग देख लेना है ना, ठीक, फॉर इट एंड कम ओवर द, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, प्लीज नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड ऑफ एजे लाइफ फॉर सब्सक्राइबिंग ऑन अकेडमी, थैंक यू एवरीवन टू गेट मैक्सिमम पर 10% डिस्काउंट, दिस इज व्हाट यू कैन डू। आज हम लोग आ रहे हैं गाइस 8:30 बजे है ना, सॉरी 9 बजे, एक अमेजिंग सा सेशन लेके, तो आप लोग आइए और वहां पे इनक्रेडिबल वे में आपको डिस्कशन, ओके गाइस, चलिए बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, सॉरी 6 PM तो मैं आऊंगा कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेके, और लेकिन अभी भी मैं आऊंगा गाइस आपके पास, तो डेफिनेटली कम ओवर, ओके चलो गाइस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।